नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके कहानी विवाद से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता, भीष्म साहनी, लेखक भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। लेखक परिचय यहाँ पे देख लिया, पाठ का आशय देख लिया, पाठ क्या है प्रमुख रूप से वो देख लिया। थोड़ा सा आज पाठ पर जाने से पहले यहाँ पे पात्र मैंने लिखा है, इसका परिचय कर लीजिए। मंगल सेन पात्र आता है, प्रमुख पात्र इसी के बारे में है। ये मंगल सेन बाबूजी नाम के व्यक्ति के छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं। एक जमाने में फौज में थे ये, फौज यानी कि आपको जानना होगा आर्मी में, लेकिन अभी अपाइस होने के कारण फौज से निकाले गए हैं या फिर फौज छोड़कर आ गए हैं। अब उतनी ही ताट पाट अकड़ के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है इनके आश्रय में, जिनके बाबूजी के आश्रय में। इनकी धर्म पत्नी है जिनको माँ के यहाँ पे बोला गया, इनका नाम मैंने बात बताऊंगा, वीर जी। बाबूजी का एकमात्र पुत्र है जिसकी सगाई अभी होने वाली है ने? मनोरमा वीर जी की बहन, चचा मंगल सेन की भतीजी, संतु घर का एकमात्र नौकर। इतने ही पात्र यहाँ पे आ रहे हैं, आगे के पात्र में बात बताऊंगा। तो यहाँ पे खाट की पीठ पर बैठा चचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा है। खाट की पीठ पर यानी कि आप समझ सकते हैं कि खाट पर लेट कर चचा मंगल सेन क्या कर रहा है, हाथ में चीलम यानी कि हुक्का के एक छोटे कद काठी को हम चीलम लेते हैं, उसके जो चूसने वाला हिस्सा रहता ना, जहां से हम हुक्के का चूसते हैं या उससे धुआं लेते हैं, वो पुराने जमाने के चीलम होते हैं। वो चीलम पकड़े हुए वो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है। सपने में क्या देख रहा है, उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा हुआ है। कहां पे, जहां पे वीर जी की सगाई हो रही है, समधियों के बीच वो बैठा हुआ है। उसने देखा वीर जी की सगाई हो रही है, उसकी पगड़ी पर केसर की छींटे और हाथ में दूध का गिलास है। पगड़ी पर केसर की छींटे इसलिए क्योंकि आते समय स्वागत किया गया है केसर के फूलों से, तो उसकी छींटे पड़ी हुई है और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूट घूट कर पी रहा है, क्योंकि बड़े ही आनंद से मजे से लेकर वो पी रहा है दूध का गिलास, क्योंकि सब्जियों के घर में बैठे हैं, आनाकानी नहीं कर सकते, एक घूट में नहीं पी सकते, अपना रेपुटेशन वहां पे दिखाना पड़ता है, तो घूट घूट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती, कभी पिस्ते के, क्योंकि दूध जो है बादाम और पिस्ते के बारीक कणों से डालकर कर बनाया गया एक दूध है, तो कभी कभी उसके कण मुंह में आ जाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए उसको चबाते हुए वो पी रहा है। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। बाबूजी क्या कर रहे हैं, पास में खड़े हुए समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं कि यह मेरा चचा जाद छोटा भाई है मंगल सेन। क्या कहें, ये मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है, इसका नाम मंगल सेन है यानी कि इसका चाचा है। तो ये सब सपने में हो रहा है, असल में ये सब नहीं हो रहा है, ये सपने में देख रहा है मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं, अर्थात समधी यानी कि घर के जो भी लोग हैं, बाकी के समधी कहते हैं उनको, वो सब मंगल सेन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति झुक कर बड़े ही आग्रह के साथ पूछा कि और दूध लाओ चाचा जी। उनसे क्या कह रहा है, झुक कर निवेदन के साथ, आग्रह के साथ पूछ रहा है कि और थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा और कहके विवश कर रहा है। तो चाचा उनकी बात को मानते हुए अच्छा ले आओ आधा गिलास कहके मंगल सेन कहता हुआ तर्जनी से गिलास के तले से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगा। तर्जनी यानी कि छोटी उंगली, ये या ये
उस उंगली से वो ग्लास के अंदर नीचे जमा हुआ शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगा। तो यहां तक की का ये जो भी है ये सब कुछ सपने में हो रहा है मंगलसेन के। मंगलसेन यहाँ पे ये सोच रहा है कि वो वीर जी की सगाई में गया है और वहां पे इतना सब कुछ होगा, इतना आदर सत्कार उसके साथ होगा। मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया क्योंकि तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई मगर स्वप्न भंग हो गया। देखिए यहाँ पे एकदम से मीठा जो शक्कर है चाटा उसने, लगातार तंबाकू खाने वाला तंबाकू का स्वाद चखने वाला व्यक्ति एकदम से मीठा खाएगा तो एकदम से उसके शरीर में कपकपी आ जाएगी। एकदम से उसने गर्दन हिलाया, झटक लिया और इसके बीच उसका सपना टूट गया, स्वप्न टूट गया। हल्की सी जुड़झड़ी मंगल सिंह के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। एकदम से वो जागा और एकदम से उसके अंदर जोश उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगा कि कब हम जाएंगे सगाई में, कब जाएंगे सगाई में, और ये सोचने लगा कि उसको लेके जाएंगे सगाई में। यहाँ पे असल बात क्या है, क्या होने वाला है आगे देखते जाइए। यह सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। यह सपनों की बात नहीं, जिस दिन वो सपना देख रहा है उस दिन ही भतीजे की सगाई का निमंत्रण था, सगाई करने के लिए जाने वाले थे इसलिए उसने सपना देखा था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन। देखिए थोड़ी देर बाद है, फिर बाद में सगे संबंधी सभी लोग आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी जाएंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा, वो सोच रहा है। और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए संबंधियों के घर जाएंगे, इतना धूमधाम से बारात की तरह लेकर संबंधियों के घर जाएंगे। क्यों? सगाई करना है किसका? वीर जी का, एकमात्र भतीजे का करना है। ये सोचकर मंगलसेन तैयार होकर बैठा हुआ है कि कब उसको बुलाएंगे जाने के लिए। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो रहा था, बदन में खून तो चटाक भरता मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने ही नहीं था। दुबले पतला सा मंगलसेन जिसके शरीर में रक्त नाम मात्र का था, सिर्फ हड्डियों ढांचों से बना हुआ शरीर था उसका, लेकिन जितना भी रक्त था उतना ही काफी था कि उसको उत्तेजित कर रहा था कि बैठने ही नहीं दे रहा। वो उछल उछल कर बैठ रहा था कि कब जाएंगे, कहां पे हम, इसमें सब्जियों के घर है वीर जी की सगाई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं कि देखेंगे आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐन उसी वक्त कोठरी में संतु आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ से चीलम लेते हुए बोला,